हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। मैं सुनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो भाई, कल मैंने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, आप सभी ने उसका रिप्लाई नहीं किया था, सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स ने। तो क्यों भाई? जल्दी से बताएंगे भाई आप सभी। तो पढ़ाई का मन नहीं करता है, हाँ? क्लास में आते नहीं हो, कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाए उसका रिप्लाई करते नहीं हो, क्या पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है क्या? हाँ, गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है वो सर्दियों पर ज्यादा हावी हो गया है क्या? हाँ, कंबल में बैठकर, मतलब कंबल में सोना ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू हार्डवर्क के। क्योंकि क्लास में तो आ नहीं रहे हैं, लग रहा है कि इम्पोर्टेंट हो गया है ज्यादा नींद पूरी करना सर्दियों में, ना? क्योंकि भाई 5 घंटे की या 6 घंटे की नींद से कुछ नहीं होता है, 12 घंटे 15 घंटे की नींद से बहुत कुछ होगा। ठीक है, हमारे बड़े एक कहावत कहते थे, और कि मैं भी बड़ा सुनती थी, बल्कि मम्मी सुनाती थी, हमें भी सोने के ऊपर बोलती थी कि वो कहते हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो जो जागते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को क्रिएटिव मतलब रखते हैं चीजों में। वो नहीं कि फोन में आप लगे पड़े हो, ये वो नहीं। जब आप जागते हो तो आप क्रिएटिव होते हो, आप चीजों के बारे में सोचते हो, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हो, उन चीजों को करते हो। लेकिन जब आप सोते हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप सोना भी जरूरी है, ये भी मैं कहूंगी, ऐसा भी नहीं कि पूरा जागना ही है, लेकिन एक टाइम बनाइए ना, जागने का समय ज्यादा दीजिए ना आप अपनी सक्सेस के लिए। तो जागने पर आप बहुत कुछ चीजें पाएंगे, लेकिन सोने पर तो ऑफ कोर्स आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो सोने पर तो खोया ही जाता है। अच्छा, कम आवाज आ रही, ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाएगा तो आप तक आवाज आ जाएगी। बाकी सभी को वॉइस मुझे लग रहा है ठीक आ रही है। वीरभान, शायद आपको ही कम वॉइस आ रही है। चले तो क्वेश्चन की जरा शुरुआत करते हैं। इससे पहले भी अपने हरियाणा सीटी के बैच के बारे में याद रखिएगा, आप लोग हरियाणा सीटी ग्रुप डी की तैयारी के लिए उम्मीद बैच ले सकते हैं। उम्मीद बैच की क्लासेस आपकी चल रही हैं, डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, जैसे कि हरियाणा के कोर्सेज में सभी में ही यूट्यूब है, एप्लीकेशन पर, एग्जाम्पल की सभी कोर्स पर आपकी लाइव क्लासेस रहती है, चाहे आपका एप्लीकेशन का हो या फिर आपका यूट्यूब का हो। ठीक है, क्लास की पीडीएफ आपको दी जाती है, क्लास में जैसे कि टीचर आपको समझाते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, और साथ ही जैसे कि मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ चाहिए, आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए, तो वह भी आपको मिलती है। साथ ही आपको इसमें क्यूज दिए जाते हैं, यानी कि भाई आप थोड़ा सा क्यूज के थ्रू यह देख सकें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके टॉपिक से बनते हैं, तो वो आपको मिलते हैं। करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिलती है, एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान आपका होता है कि कितनी ड्यूरेशन में हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यह अपना कितने दिन में पूरा होगा, मतलब प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि हमें वे ही नहीं पता, तरीके से चीजों को चलाते हैं। साथ ही आपका जूम डाउट सेशन भी बच्चों के साथ में किया जाता है कि उनको कोई डाउट होता है तो वह पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपकी अभी एप्लीकेशन पर चल रही हैं उम्मीद बैच में, अभी भी आप लोग समय से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, अभी भी शुरुआत है, तो बेसिक से अभी भी आप चीजों को ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम देने से पहले हमारे हमारी चीजें हमें याद होनी चाहिए, और हमें चीजें तब याद होंगी जब हमें पता होगा कि एक्चुअल में यह है क्यों, क्या है चीजें याद करनी होती है। इतिहास में आपको ईयर याद करने होते हैं, नाम याद करने होते हैं, उपनाम याद करने होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली इंसान है क्या? हम याद करते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो भाई समुद्रगुप्त तो है कौन, ये हमें इतिहास पढ़ने पर पता चलेगा ना। तो कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस आपको उम्मीद बैच में दी जा रही है। आप लोग सीईटी 60 कोड का यूज करके 60% डिस्काउंट के साथ में, जो कि आपको 799 रुपए में यह बैच मिलेगा, तो आप अपने हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तैयारी के लिए अपने उम्मीद बैच को ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो बच्चे यहाँ पर हरियाणा टीजीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, वह उम्मीद बैच में उम्मीद 50 कोड का यूज करके 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसमें आपकी हरियाणा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की क्लास चल रही है,
होम साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, म्यूजिक, तो सभी के फील्ड की क्लासेस यहाँ पर आप लोगों को दी जा रही हैं। तो ये बैच आप लोगों को 2499 रुपए में पड़ेगा। तो भाई अब आप लोग अपने हरियाणा टीजीटी की क्लास के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी भी स्टैटिक जीके की क्लास उसमें चल रही है, तो जल्दी ज्वाइन करना है, ठीक है, देर नहीं करना है। देर करोगे तो फिर चीजों को खोगे, इसलिए समय है, अच्छे से चीजों को गेन कीजिए। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन का बच्चों आंसर करके बताएंगे क्या हमारे क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे रहेगा। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा किया गया था, यह आपको बताएं। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। ये कल मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, किसी ने रिप्लाई किया था कल, बताओ जरा आप सभी मुझे। आप लोग जो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देती हूँ उसका आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग साहिल, पवन, काव्या, ओके, ऑफलाइन तो कमेंट नहीं करना होता है, अलोन, ओके, जल्दी से आंसर करके बताएंगे फटाफट से क्या अपने क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा। किसके द्वारा बनवाया गया था बताएंगे। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 1351 ईस्वी के दौरान इसका निर्माण किया गया है, यह कहां पर है, यह है तेलंगाना राज्य में। कहां पर, अभी तेलंगाना राज्य में है, और इसका जो निर्माण है वह काकतीय वंश के द्वारा हुआ था। काकतीय वंश के एक शासक थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र, इनका नाम था, और इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं, बताएंगे क्या आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा फटाफट से क्वेश्चन। पोला त्योहार को जो कि मनाते हैं किसके लिए मनाया जाता है ये आपको बताना है फटाफट से। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा पोला फेस्टिवल के बारे में। चलिए क्या हो जाएगा पोला फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, तो यह हार्वेस्ट यानी कि फसल के लिए, एक तरह से फसल के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है, ठीक है, जो कि सितंबर के माह में यह मनाया जाता है। और पोला उत्सव महाराष्ट्र राज्य में, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें किसान जो है वह अपने जो अपने यहाँ के जो कि बैल है, गाय है ना, उनका पूजन करते हैं। क्योंकि अगर हम खेती की बात करें तो उनका भी अहम योगदान होता है, खेत की जुताई के लिए, खेत के खाद के लिए, है ना, बहुत ही आवश्यक है रहते हैं। तो इनको एक तरह से होता है ना कि चीजों का धन्यवाद देना, जैसे कि भगवान सूर्य देवता की पूजा करते हैं, इंद्र देवता की पूजा करते हैं, तो उसी तरह से इनकी भी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट, कि भाई लेबांग भूमि नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य प्रदर्शनों की सूची का हिस्सा है। जी प्रणाम रहने, चलिए एग्जाम्पल पर क्या हुआ, चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। फटाफट से सभी क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि पीडीएफ के लिए अब आप लोग यहाँ पर सोनम मैम एग्जामपुर नोट्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें कि अभी 1700 के आसपास बच्चे जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो आप भी ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे ना मैं पीडीएफ आप लोगों को वहां पर अपलोड करा दिया करूंगी, ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को वहां पर आज एग्जाम में, ओके, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, और फिर क्वेश्चंस भी शेयर करने हैं आपको। चलिए बताइए जल्दी से, तो आप ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी उस पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। लेबांग भूमि नृत्य की बात करते हैं तो यह त्रिपुरी वासियों के द्वारा यह मनाया जाता है, यानी कि जो कि त्रिपुरा के निवासी हैं उनके द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है, जो कि फसल के लिए ही मनाया जाने वाला एक उत्सव है, ठीक है। चलिए जो कि उधर की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में ना झूम खेती है ना, क्या होता है झूम खेती, यानी कि जो कि
जिसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के लिए भी जाना जाता है, कि काटो और जलाओ। तो नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं वहां पर ज्यादातर स्लैश एंड बर्न यानी कि झूम खेती की जाती है, जिसे कि कल्टीवेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो उस दौरान ही इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यश बैंक के संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल, कोल बरोक और खर्ची पूजा यहाँ का, और बाबा गरिया पूजा भी यहाँ का मुख्य उत्सव है। चलिए आंसर करके बताएंगे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर हमारा। फटाफट से यश बैंक के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा गया है, बताएंगे क्या आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। फटाफट से यश बैंक के बारे में किसके द्वारा की गई है, बताएंगे क्या हो जाएगा। सबसे पहले यश बैंक की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो की स्थापना की गई है वह कब की गई है, 2004 में की गई है और राणा कपूर के द्वारा। इसके फाउंडर की बात करते हैं तो राणा कपूर जो की है वह इसके फाउंडर है। अब इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं, कहाँ पर है, मुंबई में है। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन की बात कर लेते हैं, कौन है, तो चेयरमैन है इसके सुनील मेहता। कौन है, सुनील मेहता वर्तमान समय में इसके चेयरमैन है, किसके, यश बैंक के। क्लियर है, क्या आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे, याद रखना डी ऑप्शन, यानी कि राणा कपूर जो की है वह इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है चीजें, आगे बढ़े हम लोग। चलिए बाकी एक बात और याद रखिएगा कि 28 जुलाई 2022 में यश बैंक के 30% जो की स्टेक है वह SBI के अंडर में है, यानी कि SBI ने लिए हुए हैं 30% के। The next, अगला क्वेश्चन, अरविंद अडिगा को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला था, आपको बताना है। मैन बुकर पुरस्कार की बात करेंगे तो यह जो प्राइस है यह सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में दिया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर में दिया जाता है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई है और इसके अंदर 50,000 पाउंड में इसमें प्राइज मनी दी जाती है। और इसकी बात करते हैं तो दी व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और किस वर्ष में किया गया था, तो 2018 में किया गया। ठीक है, ये जो दी व्हाइट टाइगर है ना, ये मैंने देखी थी, सीरीज आई थी, वेब सीरीज, तो उसमें देखा था, और जिसमें कि आदर्श गौरव को बाफ्टा अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। उन्हें अवार्ड नहीं मिला था लेकिन नॉमिनेट किया गया था इसके लिए। तो इसमें जो समाज का उतार चढ़ाव है, ऊंच नीच है ना, जो कि मतलब अमीर लोग होते हैं, रिच होते हैं, वह अपने आप को मतलब रिच और रिच करने पर चले जाते हैं, और जो मतलब निम्न वर्ग के लोग होते हैं तो वह उन्हें अपने हाथों की कैसे कठपुतलियां समझते हैं, और जो उनके सपने होते हैं वह भी मजबूर हो जाते हैं अपने सपने को किस तरह से पूरा करने के लिए। तो ये एक बैलेंस वाली चीजें जो है इसमें दिखाई गई हैं, जो डिफरेंस है, बैलेंस नहीं एक्चुअली, जो डिफरेंस है ना वर्ग में, कि एक उच्च वर्ग एंड एक निम्न वर्ग में, तो वह इसके अंदर दर्शाया गया है। जी बिल्कुल, सचिन सही कहा। अगर हम सबसे पहले भारतीय की बात करें जिन्हें की मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वह अरुंधति रॉय रही हैं, जिन्हें की 1997 में यानी कि 1997 में उन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है, ये आपको बताना है। आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा फटाफट से क्वेश्चन में। जी बिल्कुल, अभी तक ना 3 लोगों को दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार भारत की ओर से। सबसे पहले अरुंधति रॉय है, 2006 में किरण देसाई है जिनको की दिया गया था, और फिर अभी तक इन दी लास्ट मिला है अरविंद अडिगा को। चलिए बताएंगे जल्दी से क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, आप लोग क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा बताएंगे। चलिए देख लेते हैं जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे नर्मदा नदी की बात करते हैं, 1312 किलोमीटर लंबाई है नर्मदा नदी की। अरवरी नदी की बात कर लेते हैं, लगभग 45 किलोमीटर, लगभग में याद रखना। कावेरी की बात कर लेते हैं, 805 किलोमीटर की लंबाई है। गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं, 1465 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है,
तो अगर हम इन चारों में बात करें तो सबसे लंबी गोदावरी नदी है, और सबसे छोटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरवरी नदी। अरवरी नदी की बात करते हैं, यह है अरावली, यह अरावली पहाड़ियों से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से यह निकलती है और राजस्थान के अजमेर में यह बहती है, और भारत की यह सबसे छोटी नदी जानी जाती है। वही गोदावरी नदी की बात करते हैं, यह है भारत की सबसे लंबी, जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित है, सबसे लंबी है, और भारत की यह दूसरे नंबर की, गंगा नदी के बाद दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी यहां पर जानी जाती है। क्लियर है चीजें, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देन नेक्स्ट, कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। भारत में जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसमें कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से दिलाने की बात की गई है। ठीक है, इसके इस चीज को भारत के हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में एज अ मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है कि बच्चों का अधिकार है शिक्षा लेना। साथ ही इसे आर्टिकल 51 के ए में कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाए। और यह जो एक्ट भारत में आया था, इसके लिए 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और यह लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था 2009 में। ठीक है, लागू होने के ईयर के बारे में भी याद रखना, 2009 में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 2009। क्लियर है, क्या हो जाएगा 2009 में यह आपका लागू हुआ था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, तो 2002 में यह लागू हुआ था। हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग। हेमिस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है और किस लिए? हाँ श्योर मोनिका, क्यों नहीं, बिल्कुल, एक क्लास में इसीलिए लगाऊंगी एक्स्ट्रा, है ना, ये एक्स्ट्रा क्लास दूंगी मैं आप लोगों को हेयर स्टाइल बनाने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या भाई आपका आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। चलिए चलिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, यह कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है, तो जो कि पद्म संभव है, इनके जन्म दिवस को लद्दाख में जो कि तिब्बती वासी है वह हेमिस महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसका जो आयोजन है वह जनरली जून या जुलाई के माह में 2 दिनों के लिए मनाया जाता है। कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए यह मनाया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 2 दिनों के लिए यह यहाँ पर मनाया जाता है। देन नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में, फटाफट से क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, फटाफट से। बताएंगे भाई क्या भी अपना आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। एक्चुअली रहने जो आप ये बता रहे हो ना, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, जो ये लागू हुआ था वो 2009 में लागू हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि यह इफेक्ट में कब आया था, यानी कि प्रभाव में कब आया था, अगर ये वाला वर्ड होगा आपका कि यह इफेक्ट में कब आया था, प्रभाव में कब आएगा, तब आप कहेंगे 2010 में आया था। ठीक है, लेकिन अगर लागू करने की बात होगी तो आप ना 2009 को करोगे। ठीक है, और अगर कहेगा कि भाई राइट टू एजुकेशन प्रभाव में कब आया था, तब आप कहेंगे कि ये 2010 में प्रभाव में आया था। ठीक है, तो इसको याद रखना, लागू 2009 में हुआ था, प्रभाव में, इफेक्ट में, प्रभाव में आना, एक होता है लागू होना, एक होता है कि काम शुरू हो गया, प्रभाव में आ गया, अब ये चीजें चलेंगी। ठीक है, अंतर होता है ना दोनों चीजों में, तो ये 2010 में था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट आंसर करेंगे यहाँ पे। बैंकिंग के संबंध में सीटीएस का संक्षिप्त रूप क्या है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे सीटीएस यानी कि चेक ट्रंकेशन,
चेक ट्रंकेशन सिस्टम, क्या हो जाएगा? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसमें ना चेक की स्पेलिंग गलत है, बाकी ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में तो चेक ही होता है, लेकिन ये चेक दूसरा है, वो जो जो जनरली क्रॉस चेक किया जाता है ना, ये चीज सही है कि गलत है, ये वाला। और एक चेक होता है जो वो चेक काटा जाता है कि भाई तुम्हारे नाम पर कितना चेक काटना चाहिए, तो ये वो वाला चेक है जो बैंक वाला चेक है। ठीक है, चलिए, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। द नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मंगलुरु में एक मंदिर है जो भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। मुनिया, चलिए क्वेश्चन का आंसर करें फटाफट से। क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, चारों के बारे में अच्छे से पढ़ो और फिर मुझे यहाँ पर आप लोग आंसर करके बताओ कि क्या आपका आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। देखो, सबसे पहले ये बताओ, आपको पता है ना कि मंगलुरु कहाँ पर है? मंगलुरु की बात करेंगे तो कहाँ पर है? सो भाई, कर्नाटका राज्य। ठीक है, अगर हम मुक्तेश्वर मंदिर की बात करते हैं, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ओके, हरे अच्छे से पेपर दीजिएगा और क्वेश्चंस बताइएगा कैसे आए थे, ठीक है, ताकि बच्चों के साथ भी शेयर कर सकूं। चलिए, मुक्तेश्वर टेम्पल और अनंत वासुदेव मंदिर और गुंडीचा मंदिर, ये तीनों ही जो मंदिर है कहाँ पर है, बताओ जरा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, आप सभी का मैक्सिमम ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए, बाकी जरा मैं देख लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या आंसर रहेगा आपका। चलिए, ये तीनों ही जो मंदिर है ये है उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। और जो कादरी मंजूनाथ मंदिर है जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है, यह है कर्नाटक राज्य में। क्या हो जाएगा इसकी बात करते हैं तो यह है कर्नाटक राज्य में है। ओके, चलिए, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। द नेक्स्ट है कि भाई निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी का मार्च 2022 को संदिग्ध रूप से दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, क्या आंसर हो जाएगा? मुक्तेश्वर मंदिर जो है ना, यह है उत्तराखंड राज्य में भी है। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से बताएंगे आप लोग क्या हमारा आंसर यहाँ पे अपना रहेगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, कौन से है क्रिकेटर है बताएंगे आप लोग। चलिए, क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा हमारा इनके बारे में, बिल्कुल सही, 52 साल की, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 52 ईयर्स के, जो कि कौन है यहाँ पे, शेन वॉर्न, क्या हो जाएगा, शेन वॉर्न, यह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रहे हैं। इनकी बात करते हैं तो भाई इन्होंने अपने कैरियर की जो कि शुरुआत है, यानी कि पहला टेस्ट मैच, इन्होंने अपने कैरियर का सबसे पहला जो कि टेस्ट मैच खेला था वह 1992 में इन्होंने खेला था। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 1000 विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम है, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर इनका विकेट लेने के मामले में, सॉरी, दूसरे नंबर का स्थान है, क्योंकि पहले नंबर के हैं श्रीलंका के मुरलीधर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा विकेट लिए हुए हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है यह है शेन वॉर्न के नाम है। अच्छा, इनकी ऑटोबायोग्राफी बताओ, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम फटाफट से, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, आखिरी बार भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए स्वर्ण पदक कब यहां पर जीता था, ये आपको बताना है, फटाफट से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए, क्या अपना आंसर भाई यहाँ पे हमारा रहेगा, यह आपको बताना है, क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे। चलिए, क्या अपना आंसर हमारा रहेगा क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़िएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा और तब आपको आंसर करके यहाँ पे बताना है।
चलो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? चलिए 1980 में, बिल्कुल सही। लास्ट अपना जो हमने गोल्ड है वह 1980 में जीता था। सबसे पहला हमने 1928 में, फिर 1932 में, फिर 1932 में, फिर 1936 में, फिर 1948 में, ठीक है। उसके बाद हमने 1952 में भी अपना गोल्ड जीता था, 1956 में भी, और 1964 में भी, और लास्ट 1980 में हमने जीता था अपना गोल्ड, ठीक है। ये हमारा लास्ट मतलब गोल्ड था। अभी इस बार जो कि 2020 में अपने टोक्यो ओलंपिक गेम हुए थे, इस बार हमने जर्मन को हरा करके, जर्मन की जो टीम थी, जर्मन की टीम को हरा करके हमने इस बार अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोग जरा मुझे ये बताइए कि टोटल पदक, टोटल मेडल किसने जीते हैं भारत ने हॉकी में। यहां पर सिर्फ गोल्ड मेडल की बात की गई थी, ठीक है, हमने 8 गोल्ड जीते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि हमने कुल पदक कितने जीते हुए हैं हॉकी की, हॉकी टीम ने हमारी ओलंपिक खेलों में। चलिए आंसर कीजिए, जरा बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। हाँ, इस बार हमने अपने 41, 2020 की बात करें तो 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए आपने देखा होगा हमारी हॉकी टीम कितनी इमोशनल हो गए थे खिलाड़ी। होता है एक ऐसा गेम जिसमें कि हमने बहुत प्रसिद्धि हासिल की हुई है। आपको पता है ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है गोल्ड मेडल वाला, वह भारत के नाम है। हमने हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हुए हैं पूरे ओलंपिक के अभी तक के इतिहास में। चलिए कितने पदक जीते हुए हैं हमने यहाँ पे, बिल्कुल इसे मिलाकर के कितने हो गए हैं टोटल, अपने 12 पदक यहाँ पर हमारे हो गए हैं इस बार के ब्रॉन्ज के साथ में। सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? आंसर कीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा? चलिए क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे अपना रहेगा बताएंगे, चलिए क्या अपना आंसर भाई यहाँ पे हमारा हो जाएगा। चलिए क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा ये आपको बताना है। 12 में हमने 8 तो गोल्ड ही जीते हैं, ठीक है, प्लस 1 सिल्वर और प्लस अपने कितने हो गए यहाँ पे 3 ब्रॉन्ज। ये रेशो है, ठीक है, ये रेशो है, इसको भी याद रखना, रेशो कितना है। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा? ये भारत की सबसे पहली महिला है जिन्होंने की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, ठीक है। दूसरे नंबर की है लारा दत्ता, जिन्होंने की कब जीता था, जिन्होंने की 2000 में जीता था, और इस बार 2021 वाला किसने जीता है, हरनाज संधू, हरनाज संधू ने जीता है, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं नेक्स्ट कि भाई विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। गंगा डॉल्फिन की बात कर लेते हैं तो यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, जो कि भारत की लुप्त प्राय लुप्त प्राय है प्रजातियों में यह शामिल है, यानी कि वह यह जो है वह लुप्त होने वाली प्रजातियों में जो कि खत्म होने की कागार पर है उनमें यह शामिल है। और भारत में सबसे पहला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो कि स्थापित किया गया है वह कहां पर, बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना, सेकंड ऑप्शन, यानी कि बिहार राज्य। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके रवि सोनल, काफी बच्चे हैं जो आज फिर से क्लास में मिस हैं। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च रैंक वाले कमीशन अधिकारी कौन है, ये आपको बताना है। क्लास को भाई लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्लास ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी रिकमेंडेड हो सके। और जो अभी चैनल से जुड़े हैं एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, पता क्या होता है, मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है ना उससे ये है कि इन फ्यूचर जैसे कि मेरी क्लास कभी मिस हो जाती है, कभी कुछ इमरजेंसी कुछ काम आ जाता है, आपको नहीं पता चल पाता है कि मैम की क्लास होगी कि नहीं होगी, तो यूट्यूब वाले जो स्टूडेंट्स ना मैं क्या करूंगी कि जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो पर्सनल है जो कि मैं ही आप लोगों के लिए यूज करूंगी, तो उसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि भाई कुछ अर्जेंट काम आ गया था इस वजह से मैं आज क्लास नहीं कर पाऊंगी, तो आपको ना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उससे आप परेशान नहीं होंगे।
तो मैं अपडेट आपको देती रहूंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सोनम मैम एग्जामपुर, सोनम मैम एग्जामपुर नोट्स, ठीक है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको मैं पीडीएफ तो दूंगी ही, इसके साथ साथ में कुछ और स्टैटिक जीके का कंटेंट होता है वो भी मैं आपको दे दूंगी, जैसे कि इम्पोर्टेंट और भी बहुत सारे काफी फैक्ट आते हैं इम्पोर्टेंट डेज को लेकर के, एंड जनरली जो न्यूज में चीजें चलती रहती है, तो वो मैं आप लोगों को अपडेट रखूंगी टेलीग्राम चैनल से, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चले फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करके आपको बताना है क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए जल्दी से क्या हो जाएगा बताना है भाई, फटाफट से आप लोगों को क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा एडमिरल, क्या हो जाएगा यहाँ पे एडमिरल, एडमिरल जो कि है ये यह है यहाँ पे आते हैं सर्वोच्च यानी कि हाई रैंक पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल आते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं रियल एडमिरल, रियल एडमिरल आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एडमिरल हाईएस्ट रैंक, सेकंड वाइस एडमिरल और थर्ड है रियल एडमिरल, क्लियर है यहाँ पे, याद रखिएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें भारत की नेवी के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है वह 26 जनवरी 1950 में हुई थी, ठीक है, और 4 दिसंबर को हम राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में हम 4 दिसंबर को इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही याद रखना कि भारत में जो कि सुप्रीम कमांडर होता है, हमारी तीनों ही सेनाओं का जो कि सुप्रीम कमांडर होता है वह देश के राष्ट्रपति होते हैं, चाहे नौसेना है, चाहे थल सेना है या फिर वायु सेना है, तीनों ही सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हमारे राष्ट्रपति होते हैं, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए एक बात बता दीजिए इसी बात पे कि वर्तमान समय में हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चलिए जल्दी से बताइए। अभी मुझे लगता है मैंने 2-3 दिन पहले ही ये वाला पॉइंट रिपीट किया था, है ना, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा मोनिका, आपने ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरा मकसद ना यही है कि आप लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, मेरी कोई स्पेशल क्लास लगनी है, तो मैं उस चीज से ना आप लोगों को अपडेट रखूंगी इस टेलीग्राम ग्रुप से। अभी मुझे भी आदत नहीं पड़ी है चलाने की, चीजों को अपडेट करने की, लेकिन मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देती रहूंगी। तो आप लोग जैसे कि क्लास का आप वेट कर रहे हो, आपको नहीं पता चलता कि अचानक से मैंने क्लास नहीं की है, सडनली इवेंट प्राइवेट हो जाता है और आप लोग भी परेशान हो जाते हो कि भाई हम आए थे क्लास करने, क्लास नहीं हो रही है, तो आप तुरंत ही ग्रुप पर जाना, देख लेना कोई इन्फॉर्मेशन मैंने वहां पे अपडेट की है, तो आप फिर परेशान नहीं होगे, आप ना अपना काम कर पाओगे टेंशन फ्री। जी बिल्कुल, आर हरि कुमार है, क्या हो जाएगा आर हरि कुमार, क्या हो जाएगा आर हरि कुमार। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी गई है, बताएंगे। राजा राम मोहन राय जिन्हें की भारतीय पुनर्जागरण के पितामह कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के पिता कहा जाता है, ठीक है इन्हें, और साथ ही इन्हें आधुनिक भारत के भी जनक कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ही इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब, 1828 में, और आत्मीय सभा, पहले ब्रह्म समाज को ना आत्मीय सभा के नाम से जाना जाया करता था, जिसकी स्थापना 1815 में की गई थी, बाद में आत्मीय सभा का नाम चेंज करके ब्रह्म सभा कर दिया गया था 1828 में, और बाद में ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज बना दिया गया, यानी कि नाम चेंज कर दिया गया, अच्छा नाम जो लगे वह। और इन्होंने किस भाषा में लिखी थी, तो इन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी। देन नेक्स्ट कि उद्घाटन ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था कहां पर, ये आपको बताना है, फटाफट से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। ओलंपिक कांग्रेस का जो कि आयोजन है वह कहां पर किया गया था, बताइए कहां पर भाई किया गया था, क्वेश्चन का आंसर करके आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, कहां पर किया गया था, जल्दी से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, कहां पर किया गया था यह आपको यहां पर बताना है क्वेश्चन का आंसर करके। चलिए क्या हो जाएगा भाई,
कहां पर किया गया था? बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? पेरिस में। कहां पर किया गया था? पेरिस में किया गया था। आंसर याद रखिएगा। द नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड फंड WWF के लोगों पर कौन सा जानवर है, ये आपको बताना है। आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसकी बात कर लेते हैं, तो इसके लोगों में जो कि है वह कौन सा जानवर है, तो आपको दिख ही गया है कौन सा जानवर है भाई इसमें। इसमें है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का पांडा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड व्हाइट कलर का पांडा, तो यहाँ पे हो जाएगा पांडा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का पांडा। साथ ही WWF की बात करते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड, यह जो कि है वह किसके लिए काम करता है? यह प्राकृतिक के संरक्षण के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है कब की गई है? 1960 में इसकी स्थापना की गई है और ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड का जो शहर है ना ग्लैंड, यह स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैंड, ग्लैंड में इसका मुख्यालय है और इसके बारे में अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन ना पूछा जाता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। क्लियर है आंसर? ठीक है, इसके बारे में आप लोग भाई यहाँ पर याद रखेंगे कि क्या है जो कि अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा 1961 होगा। ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। देन नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि पर्वतीय दर्रों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताएंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या हो जाएगा? पर्वतीय दर्रों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? एक तरफ आप लोगों को कुछ पास यानी कि दर्रों के बारे में दिया गया है और उनके सामने आपको यहाँ पर राज्यों के बारे में दिया गया है, आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? देखते हैं, यदि हम गोमल दर्रा की बात करते हैं तो गोमल दर्रा जो कि है यह कहाँ पर पड़ता है? यह अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? यह है अफगानिस्तान में। नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो यह कहाँ पर है? यह है सिक्किम राज्य में। बुमला दर्रा की बात करते हैं तो कहाँ पर है? यह है लद्दाख में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप लोगों को सेकंड और थर्ड तो सही दिया गया है, लेकिन पहले वाला जो आपको दिया गया है ये सही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले वाला आपको गलत दिया गया है। चलिए, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं, आंसर कीजिएगा। किस हिंदी लेखक की यह श्रेष्ठ कृतियां हैं, तो किसकी है? यह है मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद की यह रचनाएं हैं, आंसर याद रखिएगा। देन नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से कि गैनीमेड हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह डैश के चारों ओर परिक्रमा करता है। किसके चारों ओर यह परिक्रमा करता है? इसकी बात करें तो गैनीमेड जो की है यह एक नेचुरल सैटेलाइट के लिए जाना जाता है, आंसर करके बताएंगे, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका? चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे, क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा हमारा फटाफट से। चलिए, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? जुपिटर, यानी कि बृहस्पति के चारों ओर यह चक्कर लगाता है और इसकी अगर बात करते हैं तो यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है। कैसा है? नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे भारत सॉरी पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? हमारा मून, यानी कि हमारा चंद्रमा। ठीक है, और इसकी अगर बात करते हैं तो भाई यह है मरकरी से भी बड़ा है और जो कि ड्वार्फ प्लूटो है ना, प्लूटो बोना ग्रह प्लूटो, उससे भी यह साइज में बड़ा है। तो यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जाना जाता है जो कि बृहस्पति के और चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। देन नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था, आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट बाबर ने हरा था। बाबर का भारत में आने के बाद सबसे पहला युद्ध 1526 का पानीपत का युद्ध था, पानीपत का युद्ध जिसमें कि इसने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। ठीक है, और घाघरा की लड़ाई की बात करेंगे तो घाघरा की लड़ाई किसके साथ में हुई थी? बाबर की। चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से क्या हो जाएगा?
क्या भाई अपना आंसर हमारा रहेगा, जल्दी से बताइए। किसके साथ में हुआ था यह युद्ध, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अफगानों के साथ में, बिल्कुल सही, महमूद लोदी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, महमूद लोदी के साथ में, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, है ना। इसकी अगर बात करें तो यह इब्राहिम लोदी का भाई था और इसके अगेंस्ट में बाबर ने यह जो लड़ाई है वह 1529 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घाघर नदी के किनारे पर, घाघर नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। इसमें भी विजय बाबर की ही हुई थी। वर्ष डैश में पारित अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब, बताइए। भारत में जो कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह कब किया गया था, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, देखते हैं जरा यहाँ पर। सबसे आजादी के बाद भारत में सबसे पहली बार बैंकों का जो कि राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह 1969 में किया गया था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो नंबर भी याद रखिएगा, क्योंकि आपसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ में ईयर भी पूछ लिया जाता है। द नेक्स्ट, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है, भाई किस देश से ली गई है। जब भी पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को काफी बार बताया है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चले क्वेश्चन में, क्या अपना आंसर हमारा रहेगा। गोल्डी आप स्टार्टिंग से क्लास में नहीं थी, लास्ट में एंट्री मारते हो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ना। चले क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, रूस। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो कौन सा देश है, तो यह है रूस देश। ठीक है, रूस देश से इसके कॉन्सेप्ट को लिया गया है। बल्कि वर्ल्ड में सबसे पहली बार जोसेफ, जो कि है जोसेफ नाम है उनका, जिन्होंने की रूस में, रशिया में पंचवर्षीय योजना योजनाओं की शुरुआत की थी। द नेक्स्ट, दुनिया के किस पर्वत में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, बताइए। सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, आंसर करेंगे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई, क्या भाई अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, बताएंगे फटाफट से क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डुंगरी ला यानी कि डुंगरी ला। इसकी बात करते हैं कहां पर है, उत्तराखंड में। कहां पर है भाई, यह है उत्तराखंड राज्य में, जो कि लगभग 18,406 फीट की ऊंचाई पर यह बना हुआ है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, आपका ए ऑप्शन। ठीक है, और साथ ही याद रखना कि डुंगरी ला को माना ला के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि माना दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। पहला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, बताएंगे आप लोग कब आयोजित किया गया था, क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की गई थी, तो मार्च 1919 में। ईयर याद रखिएगा, इसकी अगर बात करते हैं तो यह मार्च 1919 में सबसे पहली बार आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि तलातल घर एक ऐतिहासिक स्मारक है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। किस भारतीय राज्य में स्थित है, तलातल घर एक ऐतिहासिक स्मारक है जो कि किस भारतीय राज्य में यह स्थित है, यह आपको बताना है। फटाफट से क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा, यह किस राज्य में है ये आपको बताना है। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे।
तलातल घर, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, यह कहां पर है, असम राज्य में है। इसका जो निर्माण है वह है अहोम डायनेस्टी के द्वारा, यानी कि अहोम वंश के द्वारा बनवाया गया, के द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा स्मारक है। क्या हो जाएगा भाई, सबसे बड़ा स्मारक है यह याद रखिएगा। और साथ ही यह भी याद रखना कि इसका जो निर्माण है वह 18वीं शताब्दी के दौरान किया गया। कब किया गया था, 18वीं शताब्दी के दौरान भाई इसका निर्माण किया गया था। देन नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि पहला ओजोन छिद्र डैश के ऊपर पाया गया था, किस महाद्वीप के ऊपर पाया गया था सबसे पहला ओजोन छिद्र, बताएंगे, आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। चले क्या भाई, अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, यह आपको बताना है फटाफट से, क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र की बात करते हैं तो ओजोन छिद्र, इसकी जो जनरली मोटाई है वह 3 mm की होती है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी के जस्ट 18 से 20 किलोमीटर तक तो पाया जाता है सौभ मंडल, उसके बाद पाया जाता है समताप मंडल जो कि लगभग 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, और समताप मंडल में ही पाई जाती है क्या, ओजोन परत। क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत जो है, ओजोन परत की मोटाई जब कम हो जाए, जैसे कि 3 mm की इसकी जनरली मोटाई होती है और इसकी जो मोटाई है वह 2 mm की हो गई थी, तो इट मींस कि उसकी जो परत है वह घट रही है, तो इसे ओजोन होल कहा गया था। और यह कहां पर दिखाई पड़ा था, यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर दिखाई पड़ा था, लेकिन अब इसे भर दिया गया है। साथ ही याद रखना कि 1980s के समय में इस छिद्र के बारे में पता चला था, ठीक है। ओजोन को O3 से डिनोट किया जाता है और इसे डॉब्सन यूनिट से मापा जाता है, किससे, डॉब्सन यूनिट का यूज किया जाता है ओजोन छिद्र को, यानी कि ओजोन को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। ब्रेटन वुड समझौते ने निम्नलिखित में से किस एक संस्था का निर्माण किया है, यह आपको बताना है। ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ था, कहां पर हुआ था, यह वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, ठीक है। जिस समय दो संस्थाओं का निर्माण किया गया था, एक तो वर्ल्ड बैंक का और एक आईएमएफ का निर्माण, यानी कि इनकी स्थापना की गई थी। अब इनके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ आपको एक ही नाम यहां पर दिया गया है, इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, 1944 में इसकी स्थापना हुई है, इसका मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि है वह वर्तमान समय में यहां पर अध्यक्ष है, ठीक है। और गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की है, यह यहाँ पर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर है, गीता गोपीनाथ, ठीक है, क्लियर है। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है भाई, वॉशिंगटन डीसी में। द नेक्स्ट है कि अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा भाई, किसकी पुण्यतिथि पर यह मनाया जाता है, यह आपको बताना है फटाफट से, क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर कीजिए जी। स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो कि है, यहाँ पे करेंसी चलती है, फटाफट से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, जल्दी से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। किसके लिए मनाया जाता है यह, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए यह मनाया जाता है, जो कि 6 दिनों तक, इस मेले की बात करते हैं तो इसका जो कि आयोजन है यह 6 दिनों तक यहाँ पर होता है। एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताएंगे, साइंटिफिक नेम बताना है आपको एशियन एलिफेंट का,
चलिए क्या हो जाएगा बताएंगे। चलिए क्या हो जाएगा यहां पर, एलिफस मैक्सिमस जो कि है वह इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है बताएंगे। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और यारलंग तसांगपो भी कहा जाता है, ठीक है। बल्कि भारत में जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब दिहांग कहा जाता है, दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है याद रखेंगे। और जब यह असम में प्रवेश करती है, जब लोहित नदी में मिल जाती है, तब यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और जब गंगा नदी साथ में मिल जाती है तब मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ पर चीजें। क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन जो कि है यह अपना सही आंसर रहेगा। अब भाई एक क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ, और आप सभी इसका आंसर करके मुझे बताएंगे, ठीक है। बाकी पीडीएफ जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी वैसे ही मैं आप लोगों की टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड करा दूंगी, ठीक है। आप सोनम मैम एग्जामपुर जो बच्चे अभी जुड़े हैं वह टेलीग्राम ग्रुप को देख लीजिएगा, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। तो सोनम मैम एग्जाम्पल नोट्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है कि कोई भी अपडेट आती है, क्लास होती है, नहीं होती है, स्पेशल क्लास होती है, तो उस सब की जानकारी मैं आप लोगों को इस ग्रुप में दे दिया करूंगी। तो ये अपना ही टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ आप लोगों को जैसे ही फ्री हो जाऊंगी दोपहर में पीडीएफ अपलोड करा दूंगी ताकि आप रिविजन कर सके, ठीक है। बाकी ऑफलाइन आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करके जाना है। और भाई आप सभी यहां पर उम्मीद बैच से जुड़ सकते हैं। उम्मीद बैच अभी आप लोगों का 60% डिस्काउंट पर सीईटी कोड का यूज करके 60% डिस्काउंट पर चल रहा है, तो आप लोग 799 रुपए में अभी भी बैच को ले सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग हरियाणा टीजीडी का बैच भी ले सकते हैं उम्मीद 50 कोड का यूज करने पर 50% डिस्काउंट के साथ में, जिसमें कि फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत और म्यूजिक, इन सभी की क्लासेस आप लोगों की यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। तो सेशन आपको अच्छा लगा तो आप सभी लाइक करके जाइएगा, और डेली अपनी क्लास को आप सभी 9 बजे ज्वाइन कर लिया किया कीजिए, ठीक है। ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार लगा करके देखिएगा, और तब आप लोग मेरी सुबह 9 बजे की क्लास देखिएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें से मिलते हैं कि नहीं मिलती हैं, चीजें आपको आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, लेवल कैसा है। तो वो बस आप एक हफ्ते तक क्लास करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे बोलने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लास को ऑफ करते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको क्वेश्चन का भी आंसर करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद जय भारत।